हाय गाइस, योगी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नींबू पुदीना का सिरप। उसे बनाने के लिए हमें चाहिए 15 पीस नींबू, एक बड़ी कटोरी पुदीना, छोटा इंच अदरक, भुना हुआ जीरा, काला नमक, ब्लैक पेपर और 5 कप चीनी और पानी। सिरप बनाने से पहले हमें चाहिए शक्कर। शक्कर को हम चाशनी बनाएंगे। शक्कर की चाशनी बनाएंगे, उसको एक पतीली में पानी के साथ उबालेंगे। शक्कर को पतीले में डाल दिया है, अब उसमें पानी डालेंगे। शक्कर डूबे इतने ही पानी डालेंगे और उसको उबलने देंगे, उसकी चाशनी तैयार करेंगे। एक बार हिला देते हैं, ये अच्छे से घुल जाए, चाशनी बन जाए, तब तक हम दूसरी सामान तैयार कर देते हैं। चाशनी बन रही है तब तक हम नींबू को काट देंगे, उसका आधा आधा करके रस निकाल देंगे। फिर पुदीना को ग्राइंडर में पीस देंगे। नींबू को हमने काट लिए है आधा, और पुदीना और अदरक को भी काट लिया है। अदरक और पुदीना को हम मिक्सी में ग्राइंडर करेंगे और नींबू का रस निकाल देंगे। हम नींबू का रस निकाल रहे हैं, ऐसे करते हैं, रस निकाल देंगे उसको, पूरे सब नींबू का रस निकाल देंगे अच्छे से। हमने नींबू का रस निकाल दिया है और पुदीना अदरक को भी उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल के पीस लिया है। अब हम अपनी चाशनी बनी है कि नहीं देख लेते हैं। हमारी चाशनी रेडी है, एकदम चीनी घुल गई है, इसमें शक्कर पूरी तरह से घुल गई है। हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें पुदीना और नींबू का पानी मिलाएंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। मैंने जीरा लिया है भुना हुआ पीस के, इसको लिया है 3 टेबलस्पून, तिल 3 चम्मच लिया है। ये 2 चम्मच है काला नमक और 1 टीस्पून है काला मरी। हमारी चाशनी तैयार हो गई है, ठंडी हो गई है। अब हम सब इंग्रेडिएंट्स इसमें एक एक करके मिला देंगे। सबको मिलाते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें पुदीना, पिसा हुआ पुदीना, अदरक, और फिर डालेंगे जीरा, भुना हुआ जीरा सिका पाउडर, और डालेंगे काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाल लेंगे 1 टीस्पून। अब डाल लेंगे उसमें नींबू का रस, उसको अच्छी तरह से हिला देंगे। इसको पूरी तरह से ऐसे हिला देंगे, मिक्स कर लेंगे, फिर उसको छल्ली में छान लेंगे। छल्ली में छानने के बाद हम बोतल में भर लेंगे उसको। फिर इसको जब जी चाहे आप पी सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये फ्रिज में 2 महीना भी अच्छी से रहेगी, 1.5 महीना 2 महीना भी चलता है। अब हम मिश्रण को छल्ली में छान लेंगे ताकि पूरा अखा अखा जो उसका कचरा है वो बाहर आ रह जाए और सिरप हमारी साफ आ जाए। ये हमने छल्ली में छान लिया है, अब इसको ग्लास में हम डेकोरेट करेंगे। अब सिरप को हम बॉटल में भर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। इसे छल्ली से इसको बॉटल में भरेंगे, इसे सब सिरप पूरा कर लेंगे। सिरप को हमने बोतल में भर लिया है, अब जब जी चाहे आप उसमें से थोड़ा निकाल के पानी के ग्लास में पानी डाल के पी सकते हैं। हम ग्लास में बना के दिखाते हैं। ये जो हमने सिरप बनाया है वो पूरा एक बोतल भर के बनाया है। ये हमें 2 महीने तक भी चल सकता है, जैसे पीते हैं उस हिसाब से चलेगा। अब हम ग्लास में बनाते हैं, इसमें इतना ही आप डालिए, फिर बस इतना डालिए
और पूरा कप पानी से भर लीजिए, यहाँ तक पानी से भर लीजिए, मैं डालती हूँ। ये शरबत हम हर मौसम में पी सकते हैं, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम इसमें आइस कॉफी डालेंगे तो ठंडा ठंडा शरबत अच्छा लगेगा। इसको आइस भी डाली है, इसमें पानी ऊपर तक भर देंगे हम, यहाँ तक भरना है आपको। अब इसको हम हिला देंगे, अच्छे से हिला देंगे, अभी अच्छे से मिल जाए, इसकी सीरप पूरी घुल जाए इसमें। ये अच्छे से घुल गया है, इस पर थोड़ा पुदीना डाल देते हैं, इसे इस पर लेमन भी लगा देंगे। ये हमारा नींबू पानी शरबत तैयार है इसकी सिरप के साथ। अब जब जी चाहे इसको फ्रिज में से निकाल के पानी ऐड करके बर्फ़ डाल के पी सकते हैं, और इसको हम 2 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आपके अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, दूसरों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंजॉय टू नींबू पानी शरबत, थैंक यू। Thank you for my watching video. Thank you.